भारत और चीन के बीच करीब एक महीने से सीमा विवाद जारी है और इसी बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सोमवार देर रात को पूर्वी लद्दाख के गलवा घाटी में सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया के दौरान दोनों तरफ से हिंसक झड़पें हुईं। इसमें भारत के एक अधिकारी और दो सेना के जवानों के शहीद होने की खबर है। दोनों पक्षों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी वर्तमान में स्थिति को सामान्य करने के लिए बैठक कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द अर्थ न्यूज़।